you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't defeat your pro. No waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're friend. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? तो हे गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। अब देखो, रियल मैच में मैच मैकिंग हैकर के साथ हो जाता है, और ये वाला हैकर यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि भैया मतलब तुम ही लोग सोच सकते हो, जो बंदा लॉबी में ही गाड़ी उड़ा दे उसके पास क्या क्या हैक होंगे और कितना खतरनाक हो सकता है वो। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि मुझे हैकर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे इस हैकर को मार नहीं मारा था हर हालत में। तो रियल हैकर से जब मैं भिड़ूंगा तो ये मतलब देखते हैं कौन मैं से मार पाता हूँ या नहीं मार पाता। उससे पहले तो मैं मतलब ओल्ड बेसन होता, क्योंकि ओल्ड बेसन हॉट ड्रॉप पे होता है। और सच बताओ तो यार, वो बंदा भी जो हैकर होता है वो भी ओल्ड बेसन आता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, और फिर गेट ड्यूटी बंद करता हूँ कि मतलब कहीं बंदा भाग ना पाए, किल सिक्योर रहे। क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरे थे जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं जैसे लूट रहा हूँ तभी एक और बंदा आता है जो कि एक बॉट होता है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं भागता हूँ अपना किल सिक्योर करने। अब देखो, इन दोनों बंदों को मारने के बाद अब बारी थी हैकर की। अब जो हैकर होता है वो उतरा होता है वो ब्लू वाली घर के साइड, मतलब जो ब्लू वाली बिल्डिंग नहीं है उस साइड हैकर उतरा होता है। इधर क्या कहते हैं, मैं होता हूँ क्योंकि मैं खेला हूँ तो मुझे पता है। अब यहाँ पे हैकर को मारने के लिए थोड़ा लूट चाहिए होता है, क्योंकि यार हैकर कैसा, कौन सा हैक है जो भाई गाड़ी उड़ा सकते हैं, समझ सकते हैं ना उसके पास कौन कौन सा हैक हो सकता है, स्पीड है, कोई भी हैक हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लूटता हूँ, और मुझे UMP-45 भी मिल जाती। अब बारी थी उस हैकर को रस करने की, और जब मेरी उससे फाइट होगी तो बस वो फाइट देखना मजा आएगा। अब यहाँ पे ब्लू वाले बिल्डिंग के साइड से फायर आता है, तो मैं भी बिना देर के सीधा निकल जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे हैकर जल्दी ही मिलने वाला है, तो बस ये पहले बता दो कमेंट में कि मैं जब हैकर से मिलूंगा तो कौन जीतेगा, मैं या हैकर, मैं हैकर को मार पाऊंगा यानी। कमेंट करके जल्दी से अभी के अभी बताओ। तो खैर यहाँ पे छोड़ो बात, अब चलते हैं यहाँ पे मारने। सबसे पहले तो मैं इस बंदे को मार के फिनिश विनिश कर देता हूँ, और थोड़ा लूटना भी लगता हूँ। तभी यार इसका टीममेट आ जाता है SK-12 लेके, तभी देखो। यहाँ पर इसका टीममेट क्या ही बदला लेने आता है यार, मतलब SK-12 लेके घुस जाता है, क्या ही डैमेज देता है। तो यहाँ पे किसी, तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे तो मेरे ही मरने का ज़्यादा खतरा था, क्योंकि यार SK-12 के आगे कहाँ ये सब गन चलती है ज़्यादा क्लोज में। तो यहाँ पर किसी तरह नॉक करता हूँ, सबसे पहले तो हीलिंग करता हूँ और इसको फिनिश करने जाता हूँ। अब देखो एट, यहाँ आपको हैकर से फाइट देखने को मिलेगा, तो बस देखो। अब देखो जैसे इस बंदे को फिनिश करता हूँ, अब आई थी उस हैकर की। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कमाल की बात बताता हूँ, मतलब जो आप लोगों को शॉटगन का आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, असल में ये हैकर ही चला होता है। तो ये शॉटगन हैकर चला रहा होता है, तो उस टाइम मुझे तो नहीं पता था कि मतलब ये हैकर है। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे मैं यहाँ पे सीधा अंधा रश करता हूँ, मतलब एक शॉटगन वाला क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। और जैसे ही रश करता हूँ तभी देखो, और यहाँ पे आकर क्या ही डैमेज देता है, मतलब शॉटगन से लगभग वो 10 HP कर दिया था। अब देखो मैंने भी उसे हेडशॉट दिया था कुछ, तो यहाँ पे उसका भी HP कम था, तो यहाँ पे मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत क्या कहते हीलिंग करने का। अब देखो उस टाइम जब मैं खेला था ना, उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बंदा हैकर है, क्योंकि इसकी स्पीड मैंने गौर नहीं की थी। पर आगे चल के आपको स्पीड और भी इसको तेज देखने को मिल जाएगी, तो बस देखते रहो। अब यहाँ पे कमेंट्री बंद करता हूँ, बस हैकर साइड फाइट देखो। और फाइनली मैं यहाँ पे किसी तरह इस हैकर को मार देता हूँ। अब क्या ही स्पीड से दौड़ा था यार, मतलब एक समय तो मारना बहुत मुश्किल हो गया था, वो तो उसका गन रिलोड पे चला गया था, मैं मार दिया। अब फिलहाल मुझे देखो वो बंदा नहीं लग रहा था जो मतलब लॉबी में कार उड़ाया था, क्योंकि यार वो उसके पास तो कितनी सारी पावर होंगी ना, मतलब जब हवा में गाड़ी उड़ाते रहे तो मतलब क्या ही कर सकता है वो हैकर। तो मुझे तो ये वो हैकर नहीं लग रहा था, तो मैं उसके तलाश में लग जाता हूँ। अब देखो वो वाला हैकर मुझे मिलता है या नहीं, और सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ तभी देखो। अब देखो ये वहाँ से मतलब क्या ही चलाक होना था, बॉट फायर देखे मुझे फंसा के मारने की कोशिश कर रहा था, पर यार मैं ही उल्टा इसको गाड़ी से उड़ा देता हूँ।
अब देखो मैं गाड़ी से इसके टीममेट को खोज रहा था, पर यार इसका टीममेट नहीं मिला, तो मैं इसी को मतलब फिनिश करता हूँ। अब तभी देखना इसका टीममेट कहाँ रहता है। अब जैसे ही इस बंदे को फिनिश करता हूँ तभी उसका टीममेट आ जाता है। अब यहाँ पे वो पीछे से मुझे मारने की कोशिश करता है, पर मैं इसको उल्टा मार देता हूँ। अब देखो यार यहाँ पे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मतलब जैसे इस बंदे नॉक हुआ तो मुझे उस पर रस कर देना चाहिए था, पर यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा उसको लूटने लगता हूँ, मतलब जो बंदे को मारा था, पर यार वो बंदा अचानक से गायब। अब यहाँ पे मैं उस बंदे को बहुत जगह ढूंढता हूँ, मतलब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूरा घर मकान ऊपर नीचे हर जगह, वो बंदा मुझे नहीं मिलता। और लास्ट वो बंदा देखना कहाँ मिलता मुझे। अब देखो यार सबसे पहले तो मैं उस बंदों को ढूंढ ही रहा था कि मतलब कहाँ है कहाँ है, तभी मुझे उनका साउंड आ जाता है। तो यहाँ पे बिना देर किए मैं सीधा उन पर रश कर देता हूँ। अब जैसे ही रश करने जाता हूँ तभी यार पीछे से एक बॉट क्रिएट करने लगता है। अब सबसे पहले तो मैं इस बॉट को मारता हूँ, फिर देखना। अब जैसे ही इस बॉट को फिनिश करता हूँ तभी वो बंदे भी ऊपर रश कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं भी तैयार हो गया था कि मतलब क्लच रश करेंगे। अब तभी देखो यहाँ पर ऊपर आके बम लेके मैं भी एकदम तैयार हो जाता हूँ, मतलब आए हुए तो खोपड़ी ओपड़ी उसका फोड़े, पर यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही गंदा वाला स्कैम होते होते बचता है, तो बस देखना। और फाइनली यहाँ पे इन दोनों बंदों को ही मार देता हूँ। अब देखो पहला वाला बंदा तो अच्छा लग रहा था, पर यार दूसरा वाला लग रहा है उसके पास हेल्थ वेल्थ नहीं होगा तो तुरंत ही नॉक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हीलिंग वीलिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके तीसरे बंदे का फुटप्रिंट आ रहा होता है, और वो बंदा देखना कौन होता है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को मार के फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे मतलब क्या ही मेरे साथ स्कैम हुआ था, मतलब देखे तो नहीं, मेरा ही मेरे ऊपर फटने वाला था, पर यहाँ पे मैं किसी तरह बच जाता हूँ। अब तो देखो अब देखो यार यहाँ पे मैं उसके तीसरे बंदे के लिए कब से टीपीपी ले रहा था कि मतलब वो ऊपर आए अपने टीममेट को बदला लेने और मैं उसे आसानी से मार दूँ, पर वो ऊपर आता ही नहीं है, तो मैं भी बिना देर के सीधा नीचे रश करता हूँ। तभी देखो पर यार ये वाला बंदा तो एक बॉट निकलता है। पहले तो मुझे लगा था कि मतलब उसका टीममेट होगा जो अपने टीममेट का बदला लेने आ रहा होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वाला तो बॉट होता है जिसको मैं आसानी से मार देता हूँ। अब देखो ये इसको मारने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ से जा ही रहा था, अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचता ना अब यहाँ पे देखना मैं मरते मरते बचूंगा। अब बस देखना। अब यहाँ पर देखो यार काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी होती है, तो पहले तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मतलब ये लॉबी वाला हैकर ना हो, क्योंकि यार तुम देखोगे लॉबी में वो बंदा कार उड़ा रहा होता था और यहाँ पे काफ़ी सारी कार भी होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डर भी लग रहा था कि मतलब वो हैकर ना और मुझे मार भी ना दे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जाता हूँ, मतलब थोड़ा डरते हुए जाता हूँ। और तभी देखो और ये बंदा ही मारा जाता है, पर यार ये वाला बंदा मतलब क्या ही डैमेज दिया, मतलब लगभग 1 HP कर दिया था। अब पहले तो मुझे हैकर लगा, पर यार मतलब जब वो फायर किया था तो मुझे लगा कि मतलब ये नॉर्मल बॉट टाइप का बंदा है, नूब वूब है, पर यार जब स्प्रे दिया तो मतलब क्या ही डैमेज दे दिया। अब यहाँ पे हीलिंग वीलिंग करके सीधा मैं निकल रहा था। अब यहाँ पे मैं बंदों को तलाश करता था, अभी भी देखो यार मुझे लॉबी वाला हैकर नहीं मिला था जो कार उड़ा रहा हो। अब एक हैकर तो मिल चुका था, उसको मार भी दिया था, पर उड़ाते कार उड़ाने वाला हैकर तो अभी तक नहीं दिखा था। अब यहाँ पे जैसे ही उसको ढूंढ रहा था तभी देखो down। अब यहाँ पे एक अच्छा बनियानधारी बॉट मिलता है जिसको मतलब आसानी से मार देते हैं। अब देखो यार यहाँ पे जोन भी आ गया था, तो यहाँ पे मुझे उस हैकर की मेन तलाश थी। अब मुझे यहाँ पे चिकन डिनर से कोई लेना देना नहीं था, मुझे बस वो वाला हैकर चाहिए होता है, मतलब जो गाड़ी हवा में उड़ाता है, क्योंकि मेरा ही बहुत मन था मतलब गाड़ी हवा में उड़ता है वो देखूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्त लगता है। तो यहाँ पे मैं जैसे उसको ढूंढने जाता हूँ तभी देखना यहाँ पे क्या होता है। पहले तो मुझे बंदे मिल ही नहीं रहे थे, मतलब पूरा जोन खाली, मतलब इतने बड़े जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे थे, तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और ड्रॉप भी गिरा था, और तभी मुझे अपार्टमेंट की तरफ से एक फायर आता है। अब वहाँ पर मुझे फायर आता है, तो वहाँ पर मैं सीधा अपार्टमेंट में चल जाता हूँ, रश करता हूँ उस बंदे पे। अब उस बंदे के पास होता है SK-12। अब तभी देखना मैं उसे कैसे मारता हूँ। अब जैसे ही अंदर जाता हूँ तभी मुझे साउंड आ जाता है उसके नीचे कूदने का। अब तभी देखो और फाइनली ये वाला बंदा ही मारा जाता है। अब देखो यहाँ से मैं तुरंत चल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जोन बहुत तेज काट रहा था। और लास्ट बंदा तो मैं सोच जाता हूँ पक्का हैकर होगा वही कार उड़ाने वाला, क्योंकि अभी तक मुझे वो लॉबी में कहीं मिला ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं सीधा चल जाता हूँ, मतलब स्टेडियम में वो लास्ट बंदा आता है। अब देखो यार लास्ट बंदा का मुंह जैसे ही देखता हूँ थोड़ा, तो पहले तो मुझे लगता है ये हैकर कम नू बॉट ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सोचता हूँ मतलब बेड़ा गर्व होगा, यहाँ पे हैकर वगैरह देखने को मिला नहीं। पर यहाँ पे क्या कहते हैं जैसे ही मैं जाता हूँ, पर ये वाला बंदा देखना क्या IQ लगा कि मुझे मारता है। पहले तो मुझे लगा था बॉट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये बंदा रियल होता है, देखना क्या ही मुझे 1 किलो आगे मारने वाला है, मतलब कोशिश करेगा मरता हूँ नहीं वो तो आपको आगे पता चलेगा। Enemy. Enemy
और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा भाई चिकन डिनर कर लेता है 15 किल के साथ। अब देखो ये लास्ट वाला बंदा बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा रहा था अपना, मतलब यहाँ पे बम फेंक दिया था कि मैं जैसे यहाँ पे आऊँ और फट जाऊँ, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बम फटने से पहले मैं इसे मार देता हूँ। अब देखो लास्ट वाला बंदा मैं जो सोचा था हैकर होगा, मतलब कार उड़ाने वाला, वो तो नहीं होता। अब जो लग रहा है शॉटगन लेके मतलब स्पीड हैक वाला था, वही बंदा असली हैकर होता है मतलब कार उड़ाने वाला, तो वो खैर वो मार ही देते हैं यहाँ पे। वैसे वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जो बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसी तरह रेगुलर वीडियो देखने के लिए।